हेलो एवरीवन। तो ये है सेवेंथ वीडियो ऑफ द वीडियो सीरीज बिगिनर टू बेटर फॉर द एंड गेम। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टू पॉन्स वर्सेस की। अगर आपके पास दो पॉन्स है और ओपोनेंट के पास कुछ नहीं है, बस एक खाली किंग है, तो आप किस तरह से विन ले सकते हो। अभी लास्ट वीडियो में हमने डबल पॉन्स की बात की थी, उसमें भी दो पॉन्स थे, बट डबल पॉन्स मतलब जब दो पॉन्स सेम लाइन में हो तब उसको डबल पॉन्स बोलते हैं। इस वीडियो में हम स्पेसिफिक बात करने वाले हैं कि जब दो डिफरेंट फाइल्स पर, यानी कि दो डिफरेंट लाइंस पर जब दो पॉन्स होते हैं तो कैसे विन किया जा सकता है। पहले हम लोग कनेक्टेड पॉन्स के बारे में बात करें, तो यहाँ आपको विन करने के लिए ना बहुत ही इजी वे है। एक पॉन पुश कर दो, अभी किंग कुछ भी खेले, इट डजेंट मैटर, आप आपका किंग लेकर आओ, क्योंकि अगर उसने इस पॉन को मारा तो आपका ये पॉन भागता चला जाएगा और किंग उसको रोक ही नहीं पाएगा। और इस तरह आप क्वीन बनाकर एक क्वीन और एक किंग से चेकमेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं ये मैंने ऑलरेडी सेकंड पार्ट में बताया है, आप आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर चेक कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ तो बहुत ही इजी हो जाता है। तो फिर अगर आप बोलोगे कि क्या होगा अगर ये किल ही ना करें, फिर आपको आपका किंग पास में लेकर आना है, कुछ भी नहीं करना है, आप आपका किंग पास में लेकर आते रहो। वो मार नहीं पाएगा, वो लाइक आगे पीछे जाता रहेगा, कुछ होने नहीं वाला है। फाइनली आपका किंग यहाँ तक पहुँच गया, वो यहाँ भी नहीं आ सकता। अगर कहीं पीछे वगैरह जाता भी है कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर आप सिंपली विन हो सकते हो। किंग आप यहाँ खेल दो, फिर क्वीन बना लो, यहाँ पे उसके पास जगह है, स्टेलमेट नहीं हुआ, और फिर यहाँ से आपका इजिली विन निकल जाएगा। ओके, तो कनेक्टेड पास पॉन्स का तो हमने देख लिया कि क्या कर सकते हैं। अब मान लो पॉन्स इस तरह से है कि उनके बीच में वन लाइन का गैप है, अब क्या किया जाए। तो ऐसे केस में ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप या तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो कि अब मान लो किंग इस तरफ है, अगर किंग सेंटर में होता तो हम लोग डेफिनेटली हमारे किंग को लाते, पर आइडियली हमने खुद के किंग को लाना एक बहुत अच्छा प्लान कंसिडर होता है। बट मान लो किंग यहाँ पर ऑन द G6 है, पॉन पुश किया, अब यहाँ क्या होगा, किंग ट्राई करेगा इसको किल करने के लिए। किंग मान लो इधर आया, हमने पॉन पुश किया और वो यहाँ पर आके इस पर अटैक कर रहा है, अब ये पॉन आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। तो आपको ट्राई करना है कि दोनों पॉन्स इस तरह से साथ में रहे, और जब भी किंग किसी भी एक पॉन पर अटैक करेगा दूसरा पॉन आगे निकल जाना चाहिए। तो इसमें ऐसा होगा कि वो किल करेगा तो आप यहाँ से क्वीन बना लोगे और यहाँ से तो आपका विन इजिली हो जाएगा। अब मान लो ओपोनेंट स्मार्ट है, ओपोनेंट ने सोचा चलो वेट करते हैं, आपने दूसरा पॉन पुश किया, ठीक है, साथ में पुश करते रहना है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। किंग गया एक स्टेप ऊपर, अभी मान लो आपने पॉन को पुश कर दिया, तो ये हो जाएगी आपकी बहुत बड़ी। किंग ने अगर आगे वाले पॉन पर अटैक कर दिया ना, तो ये दोनों पॉन्स को रोक पाएगा। अब अगर आप साथ में अब ला रहे हो, ठीक है, मैंने बोला साथ में पहले से चाहिए, और जब अटैक करेगा तो दूसरा वाला पॉन आगे निकल जाना चाहिए। बट यहाँ क्या हो रहा है, आप समझो इस चीज को, यहाँ पर पॉन साथ में नहीं है, वो आगे वाले पॉन को अटैक कर रहा है, आपने पुश किया तो किल, इसने इस पॉन को भी रोक लिया। तो अब आप बोलोगे कि फिर इस केस में हम क्या करें, हम पॉन पुश ना करें, मत करो, किंग लेकर आओ ना, किंग क्यों है। फिर जब वो कोई मूव खेलेगा, मान लो उसने यहाँ कुछ ऐसे खेला, अभी भी उसने अटैक नहीं किया है, तो आपको पॉन पुश करना जरूरी नहीं है, कर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे लाइक ये पॉन आप पुश कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट अटैक करने वो आ नहीं रहा है, वो टाइम लगेगा आने में। अगर वो पीछे जाता है, अभी उसकी तैयारी है डायरेक्ट अटैक की, तो अभी आप आपके दोनों पॉन्स को साथ में रखो। अब अगर वो अटैक करने आता है किसी भी पॉन पे, तो दूसरा पॉन अब आगे निकल जाएगा और इस तरह से आपका विन हो जाएगा इजीली। अगर वो पीछे वगैरह जाता है तो आप आपके किंग को लाओ, यहाँ भी वापस पॉन पुश करोगे ना, अटैक आ जाएगा, फंस जाओगे, ठीक है। किंग उसने लेकर आया, अभी कोई भी मूव खेले, यहाँ खेले यहाँ खेले, डजेंट मैटर, अगर वो लेफ्ट साइड जाता है तो राइट पॉन पुश करो, राइट साइड जाता है तो लेफ्ट पॉन पुश करो, ठीक है, सिंपल ऐसा है। बीच में वगैरह कहीं आता है तो आप आपके किंग को लाओ, ओके, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। थोड़ा सा एकदम माइनर सा आपको कैलकुलेट करना भी जरूरी है, थोड़ा सा हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि भले ही मैंने बिगिनर लेवल के लिए सीरीज बनाई है, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा कंसेप्ट इसमें ऐड करके कोशिश कर रहा हूँ कि आप इंटरमीडिएट लेवल तक के पहुंच पाए। बट मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि शायद जो बहुत बिगिनर है उनको इंटरमीडिएट तक जाने में ये कंसेप्ट समझने के बाद भी टाइम लगने वाला है, इतना इजी नहीं होता है। 20 क्लासेस में या फिर 20 वीडियोस देखकर कोई इंटरमीडिएट बन जाएगा बिगिनर, ऐसा नहीं होता है। डेफिनेटली आप एक बेटर पर्सन बन जाओगे, बेटर
पर्सन इन द सेंस ऑफ चेस प्लेयर, ठीक है, वो बोल रहा हूँ, आप बेटर बन जाओ। ओके, इस तरह से आप विन ले सकते हो। अभी यहाँ पे तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, दो पॉन्स एक साथ है, किंग ने एक पर अटैक किया, तो आप दूसरा टाइम पुश कर लो, कोई प्रॉब्लम। ओके, फिर आप यहाँ से अपने किंग को ला सकते हो, वो कुछ भी खेले, दूसरा पॉन आप पुश करने की तैयारी करो। ये आप अभी आप तो लाइक आपका किंग ही पास में आ चुका है, और यहाँ से इजीली आपका विन हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि पॉन्स और ज्यादा दूर है, ठीक है, दो लाइंस का गैप, तो अब उसने कोश अभी आप लेट से व्हाइट का मूव है, तो डेफिनेटली हमारा जो मेन लॉजिक है वो ये होता है कि दूर का पॉन पुश किया जाए। जैसे ये पॉन पास में है किंग से और ये थोड़ा सा दूर है, तो दूर का पॉन पुश किया जाए। अगर वो इधर जाएगा वापस, स्ट्रेटेजी सेम है, साथ में रखने हैं पॉन्स, ये कभी मत भूलना कि साथ में से हटाना है। कि अगर वो अटैक करने जाएगा तो आप आगे निकल जाओगे और इस तरह से आपका क्वीन बन जाएगा। ओके, तो ऐसे में वो क्या कर सकता है, मे बी वो मेंटेन करे। अभी यहाँ पर याद रखना, ऐसे कुछ मत खेल देना, नहीं तो पॉन तो आपका जाएगा ही। यहाँ पर ये मूव भी नहीं चलेगा, क्यों? कि यहाँ पर ना साइड में आकर आपके पॉन को अटैक कर सकता है, और अगर आपके आगे वाले पॉन पर अटैक आ गया ना, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ आपने पुश भी किया, तो अब ये साथ में आ रहे हैं, अब साथ में आके कोई मीनिंग नहीं है, ये बराबर से किंग इन पॉन्स को रोक लेगा। ओके, हो सकता है अगर ये एक स्टेप और आगे होते तो पॉन वो क्वीन बन चुका होता, तो फिर शायद इतना प्रॉब्लम नहीं आता। तो ऐसे में हम लोग क्या करें, जब भी आपको लग रहा है कि अटैक आ सकता है, तो पहले आप आपका किंग खेलो, अटैक आने पर आप पॉन को पुश करो, आएगा तब पुश करना है, पहले ही पुश नहीं करना, ठीक है ना। तो अटैक आया, पुश किया, यहाँ पर चला गया वो, मान लो अभी आप बोलोगे कि अब क्या करें, अब तो वो इस पॉन को अटैक करने ही वाला है, ठीक है ना, करने दो उसको अटैक, इतना कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। अभी आपका किंग बहुत क्लोज आ चुका है इधर डिफेंड करने के लिए, ठीक है, तो आप आपके किंग से डिफेंड कर लोगे, और डेफिनेटली किंग को भी कुछ तो करना ही चाहिए ना, बस इधर नहीं जाना है, इधर जा सकते, किंग को भी कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, और फिर ऑपोजिशन का कंसेप्ट आप वापस यूज करोगे, और इजिली आप क्वीन बना के तो चेकमेट कर सकते। ओके, थोड़ा सा अभी हम लोग जाते हैं पीछे। अभी जैसे अटैक आया, हमने ये डिस्कस किया, पॉन पुश किया, किंग गया पीछे, ओके, क्योंकि मारेगा तो आपको पता है वो पॉन आगे चला जाए। क्या होगा अगर आपने पॉन को पुश कर दिया तो डायरेक्टली, कि उसने अगर किल किया ना, ये रूल ऑफ स्क्वायर के अकॉर्डिंग स्क्वायर के अंदर आ चुका है। रूल ऑफ स्क्वायर भी हमने देखा है पार्ट 4 में, आप जाकर चेक कर सकते हो। रूल ऑफ स्क्वायर से आपको क्विकली पता चल जाता है कि किंग रोक पाएगा पॉन को या नहीं रोक पाएगा। ओके, इतना चीज आपको याद रखना। अगर आपको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, तो आप सिंपल चीज एक इतना याद रखो कि किंग को आप जल्दी से जल्दी अपने पॉन के पास लाने की कोशिश करो, तो इसमें आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो जैसे दो पॉन्स का डिस्टेंस भी है, सॉरी दो स्क्वायर का डिस्टेंस भी है दो पॉन्स में, तो कोई इशू नहीं। अब मान लेते तीन का डिफरेंस है, तीन का डिस्टेंस है, तो जैसे डिस्टेंस बढ़ता है ना, थोड़ा इजी होता जाता है आपको। ऐसे बताओ तो ऐसा कुछ एज सच किसी में डिफिकल्टी लगती नहीं है, सबका एक अलग अलग वे है खेलने के लिए। चलो यहाँ पर ये पॉन आगे जाएगा, तो अगर इसके पास आया दूसरा पॉन ले लो, यहाँ आया आगे ले लो, ये तो फिर बहुत ही क्लोज है, मतलब यहाँ तो रूल ऑफ स्क्वायर बहुत ही छोटा बन जाएगा, तो यहाँ तो वो कुछ कर ही नहीं सकता। ओके, मे बी इधर आया तो ऐसा कुछ मे बी खेल सकते हो। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पुश कर दिया, ये बन चुका है आगे वाला पॉन, ने आगे वाले पॉन पर किया अटैक, अभी आप आगे जा रहे हो, किल कर दिया, लेकिन यहाँ पर तो वो पॉन्स एक्चुअली इतने दूर है कि वैसे ही क्वीन बन जाएगा, तो यहाँ पर हमको ना इतना टेंशन जरूरत नहीं होती है, ये वाला ना बहुत ज्यादा इजीली विन हो जाता है। ओके, और अगर आपने सपोज मान लो किंग मूव खेला, मैंने जानबूझ के ऐसा खराब मूव खेला है, आइडियली होना चाहिए कि आप पॉन की तरफ, फिर भी अगर उसने किसी पॉन पे अटैक किया, तो जैसे मैंने बताया अभी भी अगर आप पॉन पुश करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं। प्रॉब्लम कब होगा मेनली, अभी आप इस चीज, मैंने मान लो पॉन पुश किया, उसने मेरे ऊपर किया अटैक। ओके, अब यहाँ पर तो एक्चुअली हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं, यहाँ पर तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाला है, लेकिन लाइक अगर आप देखो तो यहाँ पे वैसे तो रूल ऑफ स्क्वायर भी लाइक आई थिंक काम नहीं करेगा, ब्लैक टू रहता था तो करता था, कि अब तो स्क्वायर और छोटा हो चुका है और यहाँ पर तो रोक नहीं पाएगा। बेसिकली आपको कोई प्रॉब्लम ये इसमें नहीं होगा। और हाँ, मैं बता रहा था कि प्रॉब्लम कब हो सकता है, प्रॉब्लम लाइक अगर ओपोनेंट के पास में एक हाथ पॉन अगर आ जाता है तो इसमें प्रॉब्लम होता है, लेकिन हम लोग प्योर
टू पॉन्स वर्सेस किंग की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक मैंने वो चीज मेंशन करना लॉजिकल नहीं होता है, तो बट ठीक है। तो आप ये चीज समझ लो कि दो पॉन्स है, भले ही वो कनेक्टेड हो, एक स्क्वायर का गैप हो, दो स्क्वायर का गैप हो, या फिर तीन स्क्वायर का गैप, आपको अलग अलग वेज मैंने बता दिए विन करने के लिए। किंग मैंने जानबूझ के दूर रखा था दिखाने के लिए कि पहले पॉन्स कैसे खुद को डिफेंड कर सकते हैं। ये जो पॉन्स होते हैं ना, सेल्फ डिफेंडेबल होते हैं। सेल्फ डिफेंडेबल मतलब ये खुद को बचा सकते हैं, खुद की रक्षा खुद कर सकते हैं। ठीक है, होप आप लोगों को इतना वीडियो समझ में आ गया होगा और आपको मजा भी आ रहा होगा, आपको ये नई नई चीजें मजा आ रहा होगा। और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स है जो अभी आने वाले चैप्टर्स में हम लोग सीखने वाले हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दो ताकि आपसे कोई वीडियो मिस नहीं हो।